हाँ जी आपको बताना है द गवर्नमेंट इंपोज अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस वस्तुओं या सेवाओं की कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा क्या कहलाती है प्राइस फ्लोर यानी मूल्य तल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कीमत लोच प्राइस लाइन तल रेखा या फिर मूल्य सीमा प्राइस सीलिंग बताइए राइट right. जो डी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है प्राइस सीलिंग बोला जाता है उसको ठीक है द गवर्नमेंट इंपोज्ड अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड प्राइस सेलिंग राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द स्कीम टू फैसिलिटेट द रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग इट चीप एंड अफोर्डेबल इज इज नेम्ड एज क्षेत्रीय हवाई संपर्क को रास्ता और वहनीय बनाकर सुगम बनाने की योजना को क्या नाम दिया गया है उड़ान आकाश डिस्कवरर डिस्कवर इंडिया या सहज राइट उड़ान ठीक है ये स्कीम है उड़ान स्कीम ठीक है पूछी जाती है ये स्कीम टू फैसिलिटेट द रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग इट्स चीप एंड अफोर्डेबल इज नेम्ड उड़ान तो उड़ान स्कीम जो है वो बहुत बार टी सी एस अपने एग्जामिनेशन से पूछती है या आपको जरूर करके जाना है राइट चलिए द पोर्ट दैट इज अ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा टू एंड फ्रॉम डिजिटल सर्विस इज नोन एज पैरल पोर्ट यूएसबी पोर्ट पीएस टू पोर्ट या VGA मॉनिटर पोर्ट हाँ जी, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों से डाटा स्थानांतरित करने के लिए एक प्रोटोकॉल है के रूप में जाना जाता है वो क्या है समांतर पोर्ट यूएसबी पोर्ट पीएस टू पोर्ट या VGA मॉनिटर पोर्ट जल्दी से बताइए राइट यूएसबी पोर्ट यूएसबी पोर्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अ यूनिफाइड स्क्रिप्ट फॉर नाइन इंडियन लैंग्वेजेस विच इज बीइंग प्रपोज्ड एज अ कॉमन स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया इज भारतीय भाषाओं के लिए एक एकत्रित लिपि जिससे भारत की एक सामान्य लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है वो कौन सी है तेलुगु देवनागरी लिपि भारतीय या फिर गुरमुखी राइट right, भारती इसका आंसर है ठीक है चलिए अ यूनिफाइड स्क्रिप्ट फॉर नाइन इंडियन लैंग्वेजेस विच इज बी प्रपोज एज अ कॉमन स्क्रिप्ट फॉर इंडिया इज भारती राइट right? किसने डेवलप की थी ये भारती इज डेवलप बाय श्री निवासा चक्रवर्ती टीम एट आई मद्रास चलिए हाँ जी पूछा है टेम्पल के बारे में कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ कमाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है ये टीसीएस बहुत बार क्वेश्चन पूछती है इवन ये एसएससी एस में पूछा गया क्वेश्चन है कमाख्या टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है वहां पे कमाख्या फेयर भी लगता है जिसे कुंभ ऑफ ईस्ट बोला जाता है राइट हाँ जी क्या ऑप्शंस दिए आपको मेघालय असम मणिपुर या सिक्किम राइट right. जो असम कह रहे हैं बिल्कुल सही है असम में भी कहां पर गुवाहाटी में तो कामाख्या टेंपल कहाँ है गुवाहाटी असम राइट right? तो यहां पे एक बहुत ही फेमस फेयर लगता है मेला लगता है कामाख्या फेयर उसका नाम है ठीक है Uh, उस को बोलते हैं uh, कुंभ ऑफ ईस्ट जो नॉर्थ में कुंभ मेला लगता है उतना ही बड़ा मेला uh, जो है वहां पे लगता है इसलिए उसको बोलते हैं कुंभ ऑफ ईस्ट राइट चलिए इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है कामाख्या गॉडेस है एक देवी है उनके ऊपर उनको डेडिकेट किया गया है ये टेम्पल इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अः या 51 शक्ति पीठ जो टोटल 51 शक्ति पीठ है उनमें से एक है ये कहाँ पर है गुवाहाटी में है गुवाहाटी में कहाँ पर नीलाचल हिल्स राइट तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कामाख्या टेम्पल से रिलेटेड जो टीसीएस जो है अपने एग्जामिनेशन में रेगुलरली पूछ रही है राइट चलिए द लिमिट्स टू ग्रो बाय क्लब ऑफ रोम वॉज पब्लिश इन क्लब ऑफ रोम की द लिमिट्स टू ग्रो कब प्रकाशित की गई थी इनटीन सेवेंटी थ्री या नाइनटीन राइट नाइनटीन सेवेंटी तो 1972 में पब्लिश हुई थी द लिमिट्स टू ग्रोथ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है तान सेन द फेमस सिंगर ऑफ द मुगल एरा इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन म्यूजिक फॉर्म मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध किस भारतीय संगीत से है कर्नाटिक हाँ जी बताइए राइट ध्रुपद इसका आंसर है ठीक है तो तानसेन जो था वो फेमस फिंग, आ, फ, आ, सिंगर थे ठीक है मुगल एरा के टाइम पर और उनका जो आ, स्पेशलिटी थी किस चीज को वो गाते थे एसोसिएटेड कौन सा म्यूजिक फॉर्म जो है उसके लिए प्रसिद्ध थे वो द्रुपद के लिए राइट right? ठीक है हाँ जी इंपॉर्टेंट uh, चीज किसके uh, उसमें थे वो कोर्ट में किसके राज में राजकाल में जो थे वो तानसेन थे अकबर के uh, राजकाल में थे फ्रॉम 1562 नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच यॉज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्रिएटेड अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किस वर्ष बनाई गई थी 1956, 1955, 1958 राइट नाइनटीन फिफ्टी सेवन जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है तो 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो क्रिएट की गई थी राइट right? हेडक्वार्टर कहां पर है इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है एटा वेनेकेवा रीनल या पल्मोनेरी हां जी बताइए एओटा वेनेकेवा एंड पल्मोनेरी आर्टरीज जो है ये हार्ट की आर्टरीज uh, है सबसे बड़ी कौन सी है ये आपको बतानी है राइट right एओटा तो एओटा जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी है ह्यूमन बॉडी में ठीक है तो ह्यूमन बॉडी में दो चीजें होती हैं आर्टरी एंड वेन्स जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड uh, को ट्रांसफर uh, करती है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स ठीक है और जो वेन्स होती हैं वो ब्लड uh, को ट्रांसफर करती हैं बॉडी पार्ट्स टू हार्ट ठीक है चलिए तो ये सिंपल uh, सा बेसिक सा क्वेश्चन था जो, जो नॉर्मली पूछा जाता है ठीक है तो एटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इट इज मेन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट ठीक है ब्लड लीव द हार्ट थ्रू द एटिक वॉल्व ये एक अलग चीज है बीच में आर्टरीज के बीच में वॉल्व होते हैं ठीक है थीके? उसे एटिक वॉल्व बोला गया है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च फॉर्मड अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था नाइनटीन फाइव नाइनटीन सिक्सटी टू नाइनटीन सिक्सटी सिक्स यानि राइट नाइनटीन सिक्सटी टू जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है तो नाइनटीन सिक्सटी टू में इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ फॉर स्पेस रिसर्च बनाई गई थी ठीक है किसने सेटअप करी थी नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इट वॉज सेटअप बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई इन 1962 सिक्सटी टू फॉर फॉर्मुलेट द इंडियन स्पेस प्रोग्राम तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर विक्रम साराभाई को uh, uh, जो है आप याद कर सकते हैं यहाँ पर उन्होंने सेटअप करी थी हाँ जी द वर्ली फॉक पेंटिंग इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ली लॉक चित्रकला किस राज्य की कला है राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात या मध्य प्रदेश जी, राइट right, महाराष्ट्र ठीक है तो महाराष्ट्र फोक पेंटिंग है महाराष्ट्र की फोक पेंटिंग है वरली चित्रकला ठीक है ठीक है तो वर्ली जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल आर्ट मोस्टली क्रिएटेड बाय द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द नॉर्थ सहद्री रेंज इन द महाराष्ट्र इंडिया तो एक तरह की ट्राइबल आर्ट है ट्राइबल पेंटिंग है जो महाराष्ट्र की एक पर्टिकुलर ट्राइब है वो इसको बनाती है इस पेंटिंग को बनाती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट इंक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड सरकार के कुल व्यय और उधार को जोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है क्या कहा जाता है ऑप्शन ए फिजिकल डेफिशिएट राज घाटा ट्रेड डेफिशिएट व्यापार घाटा प्राइमरी डेफिशिएट प्राथमिक घाटा या रिवेन्यू डेफिशिएट राजस्व घाटा राइट right, फिजिकल डेफिशिएट तो फिजिकल डेफिशिएट बोला जाता है उस डिफरेंस को जो गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर है और टोटल मनी जो उसने बोरो लिया उसका जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है फिस्कल फिजिकल राजकोषीय घाटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च रिएक्टर फॉर एटॉमिक रिसर्च इन कल्पक्कम इनमें से कौन कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान के लिए अनुसंधान प्रतिघातक है किरण अप्सरा, कामिनी या असुरा कलपक्कम में कौन सा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है क्या नाम है उस एटॉमिक रिसर्च सेंटर का यह आपसे पूछा है राइट कामिनी। ठीक है तो कामिनी एक रिसर्च सेंटर है एटॉमिक रिसर्च सेंटर कलपक्कम में ठीक है ठीक है कौन सा फ्यूल यहाँ पे यूज होता है यूरेनियम टू थर्टी थ्री ठीक है एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रेडियो एक्टिव जो है एज अ फ्यूल यूज होता है तो कौन सा यूज होता है प्लूटिनियम प्रोटे, यूज होता है प्लोटानियम यूज होता है या यूरेनियम यूज हो रहा है यह आपको पूछा जा सकता है तो यूरेनियम यहाँ पे एज अ फ्यूल यूज हो रहा है ठीक है तो कल्पक्कम मिनी रिएक्टर कामनी ये है वॉज कमीशन इन Uh, 1989 कब एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था चलिए हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द सेकंड फाइव ईयर प्लान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन है के एन राज पीबी महला महला नोबिस जेसी कुमारप्पा या के कामराज ठीक है पी सी महलानोबिस तो पी सी मेहला नोबिस जो है वो आर्किटेक्ट है सेकेंड फाइव ईयर प्लान के नाइनटीन फिफ्टी थ्री इट इज़ फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ये जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान है किस चीज़ पर फोकस करता था पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट में और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेवलपमेंट में सेटलमेंट में इसका मेन फोकस था इस प्लान का जो बनाया था प्रशांता चंद्रा महलानोबिस ने नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रकांता पॉपुलर एपिक फैंटसी वॉज रिटर्न बाय लोकप्रिय महाकाव्य चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद देवाकी नंद का खत्री या मैथिली शरण गुप्त राइट right. देवकीनंद खत्री ठीक है देवकीनंद खत्री ने ये लिखा था चंद्रकांता ठीक है नोवल था एक तरह का और बाद में इसके ऊपर एक सीरियल भी बनाया गया था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था आपने नाम भी सुना है उसका तो वो लिखा था देवकी नंद खत्री ने पब्लिश कब हुआ था उनका ये नोवल 1888 में देखिए कितना पुराना है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द हैज बीन ऑनर्ड विद क्रोशियज ड इन टू थाउजेंड 2019 क्रोशिया का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है 2019 का किसको मिला है ये हाईस्ट सिविलियन अवार्ड 2019 क्रोशिया का वो किसको मिला है रामनाथ गोविंद नरेंद्र मोदी शशि थरूर या राजनाथ सिंह राइट right. रामनाथ गोविंद चलिए इसके अलावा और क्या कर सकते हैं क्रोशिया का कैपिटल आप कर सकते हैं जग्रेब एंड करेंसी होती है कूना नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डेवलप द इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा इनमें से किस देश ने पर्यावरण के अनुकूल रॉकेट अंगारा विकसित किया है रशिया पाकिस्तान इंडिया या यूएस ठीक है काफी सारे स्टूडेंट्स uh, हैं वो कह रहे हैं रशिया ठीक है रशिया ने जो है ये लॉन्च किया है अंगारा इको फ्रेंडली रॉकेट है ठीक है किसने डेवलप किया है डेवलप इट इज इट वाज डेवलप बाय द मोस्को बेस्ड क्रूनेचिव स्टेट रिसर्च सेंटर ने ठीक है एंड प्रोडक्शन स्पेस सेंटर तो ये uh, जो सेंटर है मोस्को uh, बेस्ड क्रूनिचिव स्टेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन स्पेस सेंटर इसने जो है इसको डेवलप किया है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंक्रीज नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन आर नॉन एज फाइबर क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कैश क्रॉप या लेग्यूम क्रॉप्स रेशे वाली फसल बागवानी फसल नगदी फसलें या दलहनी फसलें बताइए आपको ऐसी क्रॉप्स बतानी है ऐसी जो है उपजाऊ फसलें बतानी है जो कि मिट्टी में जो है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन जो है जो हवा में होती है उसको फिक्स कर लेती है उनकी रूट्स एक्चुअली उसमें रूट ड्यूल्स बनती है जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ठीक है तो कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि नाइट्रोजन uh, फिक्सेशन में हेल्प करती हैं और मिट्टी की जो uh, मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाती है ज्यादा फर्टाइल बनाती है फाइबर क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कैश क्रॉप्स या लेग्यूम क्रॉप्स राइट लेग्यूम क्रॉप्स इसका आंसर uh, है क्योंकि जो लेग्यूम प्लांट्स होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ठीक है नाइट्रोजन को वो फिक्स करके रखती हैं राइजोइड्स बनाती हैं राइट right? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन uh, है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है तो अगर आपके पास लेग्यूम क्रॉप्स नहीं होगा तो लेग्यूमस प्लांट्स लिखा होगा ठीक है कौन सा बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है तो राइजोबियम बैक्टीरिया है ठीक है ये हेल्प करता है जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट्स uh, के अंदर जो है नॉड्यूल्स uh, में uh, की फॉर्म्स में जो है वहां पर फिक्स करके रखता है जो कि प्लांट को भी हेल्प करता है और मिट्टी को तो उपजाऊ बनाता ही है राइट right? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द बिलो गिवन थ्री स्टेट्स आउट ऑफ फोर वाट इज द स्टेट वेयर द यूटिलाइजेशन इज नॉट एज हाई एज द अदर थ्री नीचे दिए गए चार नीचे दिए गए में से तीन राज्यों में भूजल उपयोग बहुत अधिक है ऐसा कौन सा राज्य है जहां उपभोग अन्य तीन के बराबर नहीं है यूटिलाइजेशन जो है तीन में बहुत ज्यादा है एक जगह है, है कौन सा वो स्टेट है ये आपको बताना है राजस्थान हरियाणा उड़ीसा या पंजाब राइट right, उड़ीसा तो उड़ीसा में जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है उड़ीसा इज द स्टेट वेयर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज नॉट हाई द अदर थ्री स्टेट राजस्थान हरियाणा पंजाब ठीक है तो उड़ीसा जो है वो कोस्टल स्टेट है तो वहां पे ग्राउंड वाटर जो है यूटिलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं है राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द बोकारो स्टील प्लांट विच स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन टू इन इंडिया विद द असिस्टेंट असिस्टेंस ऑफ बोकारो स्टील प्लांट जिसने 1972 में अपना संचालन शुरू किया भारत में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था कनाडा यूएसए ब्रिटेन या फिर यूएसएसआर राइट यूएसएसआर ठीक है तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो 1972 में इंडिया में सेटअप हुआ था किसने असिस्ट किया था किसने Uh, जो है वो पूरा आर्किटेक्ट uh, किया था पूरा स्टैब्लिश करवाया था हेल्प किसकी हेल्प से हुआ था यूएसएसआर की हेल्प से हुआ था ठीक है पर लोकेटेड है झारखंड में ठीक है फोर्थ इट इज द फोर्थ इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट इन इंडिया बिल्ट विथ सोवियत हेल्प चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्थ समिट इज ऑल्सो नोन एज पृथ्वी शिखर सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है योटो प्रोटोकॉल एजेंडा ट्वेंटी वन रियो समिट या ब्रुंडलैंड रिपोर्ट राइट अर्थ समिट इज ऑल्सो नोन एज रियो समिट ठीक है रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है इसको राइट right? हाँ जी uh, ठीक है Uh, the Earth Summit, also known as the uh, Rio Summit, was held in Rio de Janeiro from June 3 to June 14, 1992, by the United Nations Conference on the Environment and Development. Chale, goods such as food, clothing, and service such as uh, recreation that are consumed when purchased by their ultimate consumers uh, are called. Aap se आपसे पूछा है कि भोजन कपड़े और मनोरंजन जैसी सेवाएं जो अपने अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उपभोग की जाती उपभोग की जाती है वो क्या कहलाती है हाँ जी बताइए वो गुड्स जैसे कि फूड है क्लोथिंग है या कुछ ऐसे सर्विसेज है Uh, जिसको हम कंज्यूमर यूज करता है जब वो उसको परचेस करता है बाय देर अल्टीमेट कंज्यूमर्स उसको क्या कहते हैं कंजप्शन गुड फाइनल गुड्स कैपिटल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स राइट कंज़प्शन गुड ठीक है तो कंजप्शन गुड बोला जाता है इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी विच इज अ फूड विच इज़ अ फूड एज वेल एज फॉर्डर क्रॉप ग्रोन अंडर द सेमी एरिड क्लाइमेट कंडीशन एंड ओवर इन्फीरियर सॉइल आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा फूड है जो कि फूड भी है फॉर्डर भी है ठीक है जो कहाँ पर उगता है सेमी एरिड क्लाइमेट कंडीशन में उगाया जाता है इन्फीरियर सॉइल में जि, 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 जो इतनी उपजाऊ नहीं होती है वीट मेज ज्वार और बाजरा खाद और चारे दोनों की तरह ही वो क्रॉप यूज की जाती है कौन सी है आपसे पूछा है राइट बी मेज मेज इसका आंसर है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज कॉड सीना और टिन की जो मिश्र धातु है वो क्या कहलाती है स्टेनलेस स्टील ब्रॉन्स सोल्डर या ब्रास हाँ जी बताइए लेड एंड टिन का जो अलॉय होता है उसे बोलते हैं सोल्डर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द संथल रिबेलियन एंड द 1857 रिवोल्ट फिर से देखिए 1857 रिवोल्ट के बारे में पूछ लिया है आपसे ठीक है इनमें से किसने संथाल विद्रोह और एटीन Uh, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी महाराजा मेहताब चंद टेक चंद तेज चंद या मूलचंद हाँ जी आंसर है महाराजा मेहताब चंद तो महाराजा मेहताब चंद जो है उन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की ड्यूरिंग संथाल रिबेलियन एंड 1857 रिवोल्ट ठीक है इट वॉज द रिबेलियन अगेंस्ट बोज द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जमींदारी सिस्टम बाय द संथाल हेडेड बाय सिद्धू एंड खानू मुर्मू इन प्रेजेंट डे झारखंड विच स्टार्टेड इन 1855 तो जो संथाल रिबेलियन है वो कब शुरू हुआ था 1855 में शुरू हुआ था झारखंड में तो वहाँ जो संथाल ट्राइब्स हैं लोग हैं उन्होंने जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट जो है ये रिवोल्ट शुरू किया था साइड बाय साइड जो है 1857 का रिवोल्ट भी हो रहा था उस वक्त राइट तो इस रिवोल्ट में जो है आ, किसने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की महाराजा मेहताब चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन When there इज a ऑफ ऑक्सीजन इन in मसल सेल्स द the ऑफ of टेक प्लेस एंड इट इज is converted into। बताइए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको पिछले से पिछले सेशन में ये कराया भी था जहां पर आप पे पा, आपके पास क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होके क्या प्रोड्यूस करता है ठीक है तो वो प्रोड्यूस करता है पायरोवेट ठीक है पायरुविक एसिड पायरोवेट प्रोड्यूस करता है यहाँ पे उस टाइम पे ऑप्शंस में जो है आपको एक ऑप्शन दिया था लैक्टिक एसिड का जहाँ मैंने आपको बताया था जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी में जो है ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है और कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में और फिर वो फर्दर आगे कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में तो आंसर क्या होगा यहां पे लैक्टिक एसिड ठीक है लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी से जो है ये लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है एनर्जी हम यूज कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज में और लैक्टिक एसिड जो है हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है राइट और फिर वो धीरे धीरे जो है आ, आ, बाद में अः निकल जाता है रिड्यूज हो जाता है राइट चलिए आगे चले हाँ जी तो यहाँ पे क्या लिखा है वन देर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल सेल्स द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टेक प्लेस एंड इट इज कन्वर्टेड इंटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी ठीक है ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ और पायरोवेट फर्दर जाके लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है राइट विदाउट ऑक्सीजन द बॉडी ब्रेक डाउन द ग्लूकोज रिजल्टिंग इन द लैक्टेट जो मैंने आपको भी बताया जो कि हमारे टिश्यूज में बिल्डअप हो जाता है ड्यूरिंग मसल्स और वो ब्लड स्ट्रीम्स में एंटर हो जाता है ठीक है इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा है कि ऑक्सीजन की एबसेंस में हमारी मसल्स में क्या प्रोड्यूस होता है पायरुवेट से ठीक है तो आपको पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड एंड एन एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन वेन द रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ द सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग रेनी सीजन इट इज रेफर्ड एज आपसे पूछा है जब वर्षा ऋतु के दौरान पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है तो उसे क्या कहा जाता है ड्राई लैंड फार्मिंग इंटेंसिव फार्मिंग वेटलैंड फार्मिंग या एक्सटेंसिव फार्मिंग देखिए ड्राई लैंड तो नहीं होगी आप एलिमिनेशन से इसको करिए ड्राई लैंड तो नहीं होगी तो रेनफॉल इतनी ज्यादा हो रही है ठीक है तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गया राइट इंटेंसिव फार्मिंग भी नहीं है एक्सटेंसिव भी नहीं है ठीक है इसको मैं करा चुकी हूं अपनी क्लासेस में ये है वेटलैंड फार्मिंग ठीक है तो वेटलैंड फार्मिंग बोलते हैं उसको right when the rainfall is in excess of the soil moisture requirement of plant during the rainy season it is referred to as wetland farming this type of region grows water intensive crops such as rice क्रॉप ऐसी जगह जहाँ पे पानी जो है बरसात बहुत ज्यादा होती है और जो मिट्टी का अपना जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है उससे ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती हैं ये पूछा जा सकता है तो आंसर क्या है आपके पास राइस राइस को कभी आपने देखा है पैडी फील्ड्स देखे हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है राइस के पौधे लगाते 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 रहते हैं लोग आ, ग्राउंड में आपने देखा होगा जरूर कहीं ना कहीं तो राइस हुआ जूट हुआ शुगर केन हुआ ये सारी की सारी चीजें जो है इस टाइप से लगाई जाती हैं जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है राइट right? चलिए आगे चलते। करंट फैलो कल्चरेबल वेस्टलैंड फैलो या नेट सोन एरिया भूमि का भौतिक विस्तार जिस पर फसल बोई और काटी जाती है वो क्या कहलाता है वर्तमान परति कृषि योग्य बंजर भूमि परती या शुद्ध बोया गया क्षेत्र राइट डी नेट सोन एरिया नेट सोन एरिया ही तो बोलेंगे उसको उतने एरिया पे जितने एरिया पे आप क्रॉप uh, को लगाते हो और वहां पे हार्वेस्ट करते हो उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया राइट नेक्स्ट क्वेश्चन एज सेट ऑफ कॉन्टेजियस डाटा ऑफ सिमिलर डाटा टाइप इज कॉल्ड एब्रेक्शन एरे क्लास या ऑब्जेक्ट समान डेटा प्रकार के क्रमिक डेटा के एक समूह को क्या कहा जाता है उसको बोला जाता है एरे ठीक है चलिए विच रिसेप्टर आर लोकेटेड ऑन आर टंग हमारी जीप पर हमारी जीप पर कौन सी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और फैक्ट्री गस्टेट्री थर्मोरिसेप्टर या फोटो रिसेप्टर देखिए थर्मो तो हीट होती है ठीक है हीट रिसेप्टर तो नहीं है फोटो तो लाइट होती है अब बचे गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्ट्री। बताइए आंसर बताइए इसका राइट गस्टेटरी गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं टंग पे राइट ठीक है तो गस्ट्रेटरी सिस्टम जो है जो वो क्या करता है सेंस करता है टेस्ट को आपकी जो टंग है उस पर आपको टेस्ट आता है सोर बिटर स्वीट ये सारे टेस्ट किस वजह से आते हैं गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स की वजह से आते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द पूना पैक्ट एग्रीमेंट ऑफ 1932 वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर विनोबा भावे बी आर अम्बेडकर सी गोपालाचारी या एम ए जिन्ना 1932 के पूना पैक्ट समझौते पर महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षर किए गए थे राइट right, बी आर अम्बेडकर तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में ये पैक्ट हुआ था पूना पैक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लोन ओरिजिनेटेड ओवर द गल्फ ऑफ थाईलैंड दो हजार उन्नीस में थाईलैंड की खाड़ी के ऊपर से कौन सा चक्रवात उत्पन्न हुआ साइक्लोन मेकुनु साइक्लोन पबुक साइक्लोन गाजा या साइक्लोन लुबान हां जी ये था चक्रवात पाबुक चक्रवात साइक्लोन पाबुक जो है यह गल्फ ऑफ था से गुजरा था टू थाउजेंड नाइनटीन मेंॉज अपॉइंटेड इन नवेंबर नाइनटीन फोर्टी फोर बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नॉन पार्टी कॉन्फ्रेंस टू एग्जामिन द कॉम्युनल क्वेश्चन इन अ जुडिशियल फ्रेमवर्क फॉलोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ द गांधी जीना टॉक ऑन कॉम्यूनल प्रॉब्लम ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको बलवंत राय मेहता कमेटी, जाकिर हुसैन कमेटी, पटेल कमेटी या सप्रू कमेटी। सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना वार्ता के टूटने के बाद न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक प्रश्न की जांच के लिए गैर पार्टी सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा नवंबर 1944 में कौन सी समिति नियुक्त हुई थी राइट right. सप्रू कमेटी तो सप्रू कमेटी जो है ये नियुक्त की गई थी उस वक्त नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन विच वाज़ द परमानेंट सेटलमेंट ब्रॉट इन टू इफेक्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था राइट right. इसका आंसर है 17 थ्री तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट हुआ था बंगाल का ठीक है चलिए विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेयरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है टेट्रामीटर ओडोमीटर थर्मोमीटर बैरोमीटर राइट right, बैरोमीटर तो बैरोमीटर यूज किया जाता है प्रेशर के लिए थर्मो मीनस हीट हीट के लिए थर्मोमीटर यूज किया जाता है सबको पता है ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं चलिए हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू फाइट अ न्यूयॉर्क आइकोनिक मेडिसन स्क्वेर गार्डन न्यू यॉर्क के प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वार स्कायर गार्डन में लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे हरप्रीत सिंह विनेश फोगाट बजरंग पुनिया या गुरप्रीत हां जी बजरंग पूनिया तो बजरंग पुनिया वाज़ अ फर्स्ट इंडियन रेसलर टू फाइट एट न्यूयॉर्क आइकॉनिक मेडिसन स्क्वेयर गार्डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ईच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निष्पन्दक इकाइयां होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है नेफ्रॉन्स न्यूरॉन्स नर्व्स या न्यूक्लियस हाँ जी बताइए न्यूक्लियस सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस जिसमें डीएनए रहता है जेनेटिक मटेरियल, राइट न्यूरोन्स न्यूरो न्यूरोन्स आपके नर्व सेल्स को बोलते हैं ठीक है नर्व्स ठीक है जो वही बात है जो नर्वस सिस्टम बनाते हैं आपका न्यूरॉन्स इसका नेफ्रॉन्स इसका आंसर है ठीक है तो नेफ्रॉन जो है वो सबसे छोटी किडनी की यूनिट है फिल्ट्रेशन यूनिट जिसे बोला जाता है राइट चलिए एक किडनी में अबाउट कितनी नेफ्रॉन्स होती है हाँ जी राइट टेन लैक्स टेन लैक्स तक नेफ्रॉन्स हो सकती है एक किडनी के अंदर शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वाज साइन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड ऑप्शंस क्या हैं अयूब खान जulfikar अली भुट्टो बेनेजर भुट्टो या परवेज मुशर्रफ इंदिरा गांधी और दूसरे कौन थे जिनके बीच में ये साइन हुआ था राइट जulfikar अली भुट्टो इसका राइट right आंसर है शिमला पैक्ट हुआ था 1972 में राइट इट इट वाज अ पीस ट्रीटी साइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन शिमला हिमाचल प्रदेश राइट चलिए आगे चले हु इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंस इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है के कामराज पी बी महला नॉबिस के एन राज या जेसी कुमारप्पा क्या आंसर दिया क्या ऑप्शन दिए कर चुके हैं हम ठीक है जेसी कुमारप्पा तो जेसी कुमार अप्पा जो है ऑथर है इकनॉमी ऑफ परमानेंस के चलिए आगे चलते हैं हु ऑज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे अमिताभ कांत नरेंद्र मोदी अरुण जेटली अरविंद पनगड़िया राइट right, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी वॉज अ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग ठीक है चलिए तो ये थे आज के फोर्टी क्वेश्चंस जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और भी अच्छी तैयारी करने के लिए आपको लेनी हो सकती है ये वाली बुक अगर आपको करनी है टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये वाली बुक आपके लिए बेस्ट है तो ये बुक भी अवेलेबल है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इसको ले सकते हैं या फिर आप नैकल की वेबसाइट पे जाके ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको चाहिए ये वाली बुक और अगर आप रेंडम क्वेश्चंस करना चाहते हैं जैसे कि इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं ये वाली बुक जिसका नाम है रेलवे जर्नल स्टडीज 133 थर्टी थ्री टीसीएस शिफ्ट तो करते रहिए अपनी तैयारी स्टे हेल्दी थैंक यू हां जी बताइए आपसे पूछा है प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू फाइव ग्रुप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन पौधों को पांच समूह में बांटा गया है इनमें से कौन सा इनमें से वो समूह नहीं है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स होता है और एक होता है एंजियोस्पर्म्स ठीक है और एक होता है थैलोफाइट्स राइट ये आपको पता होना चाहिए ठीक है तो प्लांट्स की जो डिवीजन है वो कैसे है ब्रायोफाइट्स हैं थैलोफाइट्स हैं टेरिडोफाइट्स हैं उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म्स फिर एंजियोस्पर्म्स तो डीज का आंसर है ये जो है उन पांच ग्रुप में से ये नहीं है प्रोटोकॉल डाटा ये एनिमल किंगडम में आता है प्रोटोकॉल ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिनीमाटा कन्वेंशन इन 2013 वाज हेल्ड इन जापान टू एड्रेस द इमिशन ऑफ विच हैवी मेटल 2013 में 2013 में मिनीमाता सम्मेलन जापान में किस भारी धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था निकल को वो बहुत ज्यादा फैल गई थी वहाँ पे जापान में राइट तो मिनीमाटा कन्वेंशन जो है वो बनाया गया था राइट मर्करी में ठीक है मर्करी जो है जो इसकी वजह से जो है ये वाटर टेबल में जाके जो है वो कंटेमिनेशन uh, कॉज करी इसने और उसकी वजह से जो है मिनी डिजीज हो गया मिनी डिजीज एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज था जो कि मर्करी पॉइजनिंग से होता था ठीक है होता है तो मिनी मार्टा कन्वेंशन जो है इसी चीज से रिलेटेड है कि मर्करी के जो इमिशन है इंडस्ट्रीज से वो कम से कम हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्कवर्ड पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज किसने की थी चार्ल्स डार्विन एलेक्सेंडर फ्लैमिंग लुइस पास या फिर जॉर्ज मैंडल राइट एलेक्सेंडर फ्लैमिंग एलेक्सेंडर फ्लैमिंग थे जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी ठीक है पेनिसिलिन क्या है एंटीबायोटिक्स होते हैं राइट right? हाँ जी चार्ल्स डार्विन के बारे में भी कर लेते हैं क्योंकि चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछता है टीसीएस अपने एग्जामिनेशंस में तो चार्ल्स डार्विन को कहा आ, न, आ, क्या किस चीज के लिए जाना जाता है ही वॉज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन राइट लुइस पाश्चर इज नोन फॉर इन्वेंटिंग द प्रोसेस ऑफ पैश्चुराइजेशन और जॉर्ज मैंडल वो किस लिए जाने जाते थे फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दिए थे जॉर्ज मैंडल ने मैंडल लॉज जिनको हम बोलते हैं ठीक है उसल वो जाने जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन एशियन टाइम अ वॉज वे अगेंस्ट एन इक्वल वैल्यू ऑफ द द वेट ऑफ़ गिवन अ डोनेशन प्रैक्टिस कॉल्ड पहले आपने सुना होगा कि लोग क्या करते थे अपने वजन के इक्वल वजन का आ, कुछ दान करते थे ठीक है चाहे वो अनाज हो चाहे वो कोई सोना हो सिल्वर हो गोल्ड हो कुछ भी हो उसको दान करते थे तो इस प्रैक्टिस को इस जो है क्या कहते हैं इसको परंपरा को क्या कहा जाता था जली तुला भरा, पुली काली या थीमी थीमी थी राइट तुला भरा तो तुला भरा बोलते थे इस प्रैक्टिस को एशियन टाइम में ठीक है तो इन एशियन टाइम तो अ पर्सन वाज वेटेड अगेंस्ट अ अम्योडिटी एंड आगे अ वैल्यू इक्वल वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ कॉम्युनिटी वॉज गिवन एज अ डोनेशन दिस वॉज कार तुला भरा जलीकटू तो है वो डिफरेंट प्रैक्टिस है एक परंपरा है कस्टम है जो तमिलनाडु में होती है जिसके अंदर जो है ना एक ब्लैक बुल जो है उसको दौड़ाते हैं उसकी रेस होती है एक्चुअल में ठीक है इस ये जलीकटू के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा न्यूज में भी काफी ज्यादा आया था ठीक है उसके अलावा दूसरा क्या है पुलीकाली पुलीकाली लेपर्ड गेम है ये भी रिक्रिएशनल फॉक आर्ट फॉर्म है स्टेट ऑफ केरला का थीमिथी थीमिथी क्या है फायर वॉकिंग सेरेमनी है जो कि तमिलनाडु में होती है ठीक है फायर के ऊपर जले हुए कोयले के ऊपर चलते हैं लोग राइट तो ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट और उनसे रिलेटेड स्टेट्स आप कर सकते हैं राइट चलें विद विद चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी हैज द ट्रम्प एडमिशन बैंड द यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज फ्रॉम डूइंग बिजनेस ट्रम्प प्रशासन ने किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ अमरीकी सरकारी एजेंसियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था वीवो जियोमी हुई या ओप्पो हाँ जी हुई इसका आंसर है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ ऑल द प्लेयर्स ऑपरेटिंग इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी खिलाड़ियों का प्रमुख नियामक है आई आर डी ए आई नबार्ड सेबी या आरबीआई हाँ जी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट तो कौन ऑपरेट करता है कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट सेबी ठीक ठीक है ठीक है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म ऑन जनवरी थर्टीन नाइन टू इंपॉर्टेंट है इट इज अ प्रिंसिपल रेगुलेटर फॉर ऑल द प्लेयर्स ऑपरेटिंग इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट हेडक्वार्टर कहां पर है मुंबई महाराष्ट्र में ठीक है और चेयरमैन जो है वो आप याद कर लीजिए श्री अजय त्यागी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड वर्ड ब्रिटिक्स हाँ जी ब्रिक्सिट जो शब्द है वो किसने दिया था आ, आ, निगेल फराज ने पेटर वेल्डिंग ने जिराड बेटन ने या फिर टॉमी रॉबिसन राइट right. पेटर वेल्डिंग तो पैटर वाइल्डिंग ने दिया था ये वर्ड कब दिया था थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी में प्रोग्राम ये बहुत बार क्वेश्चन टीसीएस अपने एग्जामिनेशन में पूछती है कि किसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑप्शंस क्या दिए आपको एपीजी अब्दुल कलाम डॉक्टर होमी बाबा जवाहरलाल नेहरू या राजा रामानंद राइट डॉक्टर होमी बाबा तो डॉक्टर होमी बाबा को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ठीक है चलिए विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान किस देश का है इंडिया रशिया यूएस या चाइना राइट right. इंडिया तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन uh, में पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो डॉक्टर डौक, uh, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बी आर अम्बेडकर जो है उनको बोला जाता है जो ओरिजिनल कॉपी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई थी राइट right? चलिए तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल्स थे बाद में कितने हुए स्टार्टिंग में कितने पार्ट्स थे कितने शेड्यूल थे बाद में कितने शेड्यूल्स हुए ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो टीसीएस uh, जो है अपने एग्जामिनेशन में पूछती है फॉर एग्जाम्पल पहले शेड्यूल uh, थे ऑफ इंडिया में बाद में जो है अब कितने हो गए चलिए, ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी इन सेवनटीन 1757 सेवनटीन फिफ्टी सेवन में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद इनमें से कौन सी घटना घटी the port cities सिटीज ऑफ मद्रास Bombay बॉम्बे destroyed. ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड पीपल स्टेड अवे फ्रॉम कोलोनियल सिटी ऑफ मद्रास कैलकटा एंड बॉम्बे नो न्यू बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशन हाँ जी ट्रेड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड बेटल ऑफ प्लासी के बाद प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ ठीक है चलिए तो ट्रेड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड आफ्टर द द विक्ट्री ऑफ ऑफ ब्रिटिशर्स इन प्लासी इन बैटल प्लासी 1757 ठीक है कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में हुआ था जो ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी कौन उसको लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव ठीक है और दूसरी साइड कौन था किसकी फोर्सेस कि, की किसकी फौजें थी सिराजुद्दौला की राइट जो कि नवाब था बंगाल का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि क्या चीज़ सेलिब्रेट होती है एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस व्हाट वॉज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रॉलेट सत्याग्रह ऑफ 1919, द संथल रिवॉर्ट ऑफ 1855 एंड 56, सिक्स द अपराइजिंग ऑफ एटीन द सिविल वॉर ऑफ वन राइट सी द अपराइजिंग ऑफ 1857 ठीक है अठारह क्रांति जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ठीक है वहीं से शुरू हुई थी इंडियन uh, इंडिपेंडेंस की जो लहर थी पूरे इंडिया में वहीं से शुरू हुई थी राइट right? इसके बारे में आपने हिस्ट्री में काफी कुछ पढ़ा होगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एज ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द इंडिया इंडिया डज नॉट हैव एन ऑपरेशनल मेट्रो रेल स्टेशन येट अक्टूबर दो हजार तक भारत के इनमें से किस शहर में अभी तक एक परिचालन मेट्रो रेलवे स्टेशन नहीं है जयपुर कोची लखनऊ या पुणे हाँ जी बताइए राइट डी पुणे पुणे में अभी तक जो है ऑपरेशनल मेट्रो रेल रेलवे स्टेशन जो है वो नहीं है चलिए तो अभी तक इंडिया में टोटल थर्टीन मेट्रो रेलवे स्टेशन एंड सर्विसेज है कहाँ कहाँ पे कोलकाता दिल्ली ये तो सबको पता ही है सबसे पहले कोलकाता में ही शुरुआत हुई थी उसके बाद है बेंगलुरु गुड़गांव मुंबई जयपुर चेन्नई कोची लखनऊ हैदराबाद नोएडा अहमदाबाद एंड नागपुर हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच द सक्सेस ऑफ द एंटी सैटेलाइट या ए सैट टेस्ट इन टू थाउजेंड नाइनटीन विद विच अदर कंट्री डिड इंडिया ज्वाइन द लीग 2019 में एंटी सेटेलाइट परीक्षण की सफलता के साथ भारत किस अन्य देश के साथ लीग में शामिल हुआ यूएस रशिया चाइना रशिया चाइना फ्रांस यूएस रशिया यूके या रशिया चाइना एंड यूके राइट right, ए इसका आंसर है बिल्कुल सही है यूएस रशिया एंड यूके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क इन इंडिया इसमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है शंदूर नेशनल पार्क बाल प, आ, बाल फकरम नेशनल पार्क अंशी नेशनल पार्क या फिर डाचिकम नेशनल पार्क राइट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हम कर रहे हैं बिल्कुल सही शूर नेशनल पार्क इज नॉट अशनल पार्क इन इंडिया हाँ जी तो शूर नेशनल पार्क है कहाँ पर शूर नेशनल पार्क है पाकिस्तान में ठीक है इसके अलावा बाल फरक्कम जो है नेशनल पार्क यह है मेघालय में अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका में है डाचिकम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार क्वेश्चन आता है इससे तो अभी तक इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क है हंड्रेड एंड फोर नेशनल पार्क है चलिए विच वट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओबीओएल को बोल कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज कंप्यूटर बिजनेस ऑरिएंटेड लैंग्वेज कंप्यूटर बेसिक ऑरिएंटेड लैंग्वेज या कंप्यूटर बेसिक ऑरियंटेड लैंग्वेज हां जी बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन राइट कंप्यूटर बिजनेस ऑरिएंटेड लैंग्वेज च टाइप ऑफ वॉटर सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका पानी की कौन सी पट्टी भारत और श्रीलंका को अलग करती है स्ट्रेट ऑफ लोम्बोक डूरेंट लाइन स्ट्रेट ऑफ मलाका पार्क स्ट्रेट हां जी पार्क स्ट्रेट राइट चलिए इफ बिल गेट्स हैड हिज वे बाय व्हाट नेम वाज विंडो ओएस प्लान टू बी रिलीज यदि बिल गेट के पास अपना मार्ग था तो विंडो ओएस को किस नाम से जारी जारी करने की योजना थी क्लिपबोर्ड व्यूअर इंटरफेस मैनेजर कैलकुलेटर या कंट्रोल पैनल राइट जो इंटरफेस मैनेजर कह रहे बिल्कुल ठीक है इंटरफेस मैनेजर इसका सही आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोन्यूमेंट इन उत्तर प्रदेश कौन सा इसमें से उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है सफदर बारा, इमाम बारा या सारनाथ स्तूप राइट right. सफदर जंग इसका सही आंसर है ठीक है तो सफदरजंग टॉम्ब जो है वो दिल्ली में है ना कि उत्तर प्रदेश में राइट right? इसके अलावा ताजमहल बारह इमाम बारा लखनऊ में है ताजमहल आगरा में है और सारनाथ वाराणसी में है राइट right? चलिए हाँ जी टॉम जो है ये बनवाया किसने था ये बनवाया था सिराज दौला ने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1906 1960 में साठ uh, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस शहर में हुई थी लाहौर कराची कैलकटा या बॉम्बे राइट right, कराची कराची इसका सही आंसर है कराची में हुई थी uh, इन दिस ट्रीटी ठीक है हाँ जी उस वक्त पाकिस्तान के जो है वो uh, प्राइम मिनिस्टर कौन थे फील्ड मार्शल किसके बीच में थी कौन दो पर्सन ने साइन किया था इस ट्रीटी को एक जगह पे तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे आ, कौन थे वो जॉर्ज मार्शल मोहम्मद अयूब खान और दूसरी में श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे वो थे इन दोनों ने साइन की थी इस ट्रीटी को इन 1960 1960 में चलिए व्हाट वाज द फर्स्ट डोमेन नेम्ड एवर रजिस्टर्ड इन वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम कौन सा था www.computer.com, www.linux.com, www.symbolic.com, www.server.com कंप्यूटर हां जी बताइए राइट डब्ल्यू 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 डॉट सिंबॉलिक डॉट कॉम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच कॉन्स्टिटुंसीज डि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन इन टू थाउजेंड नाइनटीन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्नीस दो हजार उन्नीस का लोकसभा चुनाव किन निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ा था अमेठी एंड वायनाड अमेठी एंड लखनऊ वाराणसी एंड वायनाड वाराणसी एंड लखनऊ अमेठी एंड वायनाड ठीक है तो मेथी से उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन आर्ट फॉर्म इज practiced इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है मधुबनी पेंटिंग कला हुतु, तंजोर आर्ट पत्ता चित्र पेंटिंग हाँ जी राइट मधुबनी पेंटिंग तो मधुबनी पेंटिंग फेमस है बिहार की और नेपाल की ठीक है हाँ जी कलामेज हुतु जो है वो कहाँ का आर्ट फॉर्म है ये आर्ट फॉर्म है यहाँ का केरला का ठीक है कौन से टेम्पल्स पे ये आर्ट फॉर्म जो है देखा जाता है भागावती नागा एंड अयप्पा टेम्पल्स जो है वो जो केरला में प्रेजेंट होते हैं वहां की दीवारों पर जो है ये आर्ट फॉर्म है इसका नाम है कला मेजुहतु ठीक है तंजूवर पेंटिंग जो है ये साउथ इंडिया की पेंटिंग का स्टाइल है पत्ता चित्र पेंटिंग इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि एक तरह की स्क्रॉल पेंटिंग है कागज पे की जाती है स्क्रॉल की फॉर्म में होती है और इस पे ये जो फेमस है ये फेमस है उड़ीसा से ठीक है उड़ीसा की फेमस है और ज्यादातर इसपे जो है वहाँ के जो लॉर्ड है विष्णु महेश जो वहाँ के जगन्नाथ टेम्पल के जो लॉर्ड है उनके बारे में जो है इसपे जो है पिक्चर्स बनाई जाती है कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप पिक्चर्स होती हैं राइट तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन टीसीएस पूछता है पत्ता चित्रा पेंटिंग कहाँ की है uh, इनमें से कौन सी स्क्रॉल पेंटिंग है तो पत्ता चित्रा पेंटिंग इसका आंसर होगा किस पे जो है जो पिक्चर्स बनाई जाती है स्टोरी <coughs> टेल्स पे बनाई जाती है कौन सी आर्ट फॉर्म में तब भी आंसर क्या होगा पत्ता चित्रा पेंटिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑफ अक्टूबर 2020 ट्वेंटी हु इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन मैं हॉकी टीम मनप्रीत सिंह हरमनप्रीत सिंह दिलप्रीत सिंह या गगनदीप सिंह अक्टूबर 2020 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन था राइट ए मनप्रीत सिंह ठीक है चलिए ब्रॉन्ज मेडल मिलता है मिला है इंडियन हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इजी क्वेश्चन है ये तो ठीक है द फर्स्ट वुमेन टू स्विम इंग्लिश चैनल वॉज इंग्लिश चैनल तैरने वाली पहली महिला कौन थी अ फ्रेंच इंडियन ब्रिटिश एंड अमेरिकन जी राइट right, अमेरिकन ठीक है एक अमरीकी स्विमर थी जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल जो है वो क्रॉस किया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द न्यू स्टडी बाय ग्रीन पीस इन 2018 व्हिच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड 2018 में ग्रीन पीस द्वारा किए गए नए अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है गुरुग्राम शंघाई ढाका या टोक्यो राइट right, ए गुरुग्राम ठीक है गुड़गांव ठीक है इन 2021 ट्वेंटी वन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो थी वर्ल्ड की वर्ल्ड की अगर पूछा जाए तो लाहौर थी सेकेंड बाद पे गाजियाबाद थी थर्ड पे दिल्ली थी ठीक है चलिए विच एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग आई पी एल विल बी प्लेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टींथ या टेंथ इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण जो दो हजार बीस में खेला गया था राइट सी थर्टींथ जो है वो आईपीएल खेला गया था 2020 में चलिए रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है वनीकरण का क्या अर्थ है जंगल को मजबूत बनाना री इन्फॉर्सिंग फॉरेस्ट टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट जंगल में जानवरों की देखभाल विजिटिंग द फॉरेस्ट जंगलों का दौरा प्लानिंग न्यू ट्रीज इन द डिफॉरेस्टेड फॉरेस्ट नष्ट हुए जंगलों में नए पेड़ लगाना जल्दी से बताइए राइट डी ठीक है नष्ट uh, हुए uh, जंगलों में नए पेड़ को लगाने को बोलते हैं रिफॉरेस्ट्रेशन चलिए आगे चलते हैं हु इनिशिएटेड द प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी राइट नरेंद्र मोदी बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो सभी को पता है तो जितनी भी योजनाएं हैं जो अभी कुछ सालों में शुरू हुई हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किए हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च हुई किसने लॉन्च करी क्या ऑब्जेक्टिव था तो ये तीन चीजें जो है वो आपको हर योजना के बारे में पता होनी चाहिए 2014 में लॉन्च हुई थी ये योजना जनधन जनधन योजना ठीक है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इन अफ्रीका इसमें से कौन सी रिवर जो है वो अफ्रीका में नहीं है ऑरेंज नील नाइजर या अमेजॉन राइट एमेजॉन एमेजॉन रिवर जो है वो अफ्रीका में नहीं है अमेजोन रिवर जो है वो साउथ अमेरिका में है ठीक है इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो आंसर क्या होगा नाइल रिवर ठीक है उसको और क्या बोला जाता है नाइल रिवर को बोला जाता है फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स ऑरेंज रिवर जो है ये कहाँ पे है साउथ अफ्रीका में बहती है ठीक uh, है ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अफ्रीका की ठीक है अगर साउथ अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में बात की जाए तो आप बोलेंगे ऑरेंज रिवर और नाइजर जो है इज अ लैंडलॉक कंट्री इन द वेस्ट अफ्रीका नेम्ड आफ्टर द नाइजर रिवर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टेटेड इन द गांधी इरविन पैक्ट साइन इन मार्च 1931 मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन पैक्ट में इनमें से क्या कहा गया था ऑप्शन ए प्रिज़नर्स वुड नॉट बी रिलीज कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा सेकेंड ऑप्शन क्या है सिविल डिसऑबिडियंट मूवमेंट वुड बी कॉल्ड ऑफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा थर्ड ऑप्शन है द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट अलोंग द कोस्ट वुड बी स्टॉप्ड तट के किनारे नमक का निर्माण बंद कर दिया जाएगा या फोर्थ ऑप्शन ऑल इंडियंस वुड गेट गुड एजुकेशन सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी हाँ जी क्या साइन हुआ था गांधी पैक्ट में राइट सिविल डिस जो है वो इमीडिएटली बंद कर दिया जाएगा ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच नवरत्न कंपनी इज फॉन्डली कॉल्ड विजैक स्टील किस नवरत्न कंपनी को प्यार से वाइजैक स्टील कहा जाता है रॉर केला स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट आई इसको एस सीओ स्टील प्लांट या राष्ट्रीय निगम लिमिटेड हां जी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन राइट राष्ट्रीय इस्पत निगम लिमिटेड इसको बोला जाता है नवरत्न कंपनी अः विजैक स्टील बोला जाता है इसको प्यार से ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री डिड मानुषी चिल्लर विन द मिस वर्ल्ड 2020 मानुषी चिल्लर ने किस देश में मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है साउथ कोरिया जापान चाइना या वियतनाम हाँ जी बताइए राइट चाइना चाइना में हुआ था तो चाइना में उन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड का खिताब ठीक है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्वदेशी मूवमेंट इनमें से किसने स्वदेशी आंदोलन के मध्यम मध्यम माध्यम से औपनिवेशिक uh, शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्रपाल या गोपाल कृष्ण गोखले राइट गोपाल कृष्ण गोखले तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उन्होंने जो है मिलिटेंट ओपोजिशन की जो है ही डिड नॉट एडवोकेट मिलिटेंट ओपोजिशन टू कोलोनियल रूल थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट ठीक है और क्या इंपॉर्टेंट uh, है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ही वॉज नॉन एज द पॉलिटिकल ग्रु ऑफ गांधी जी ये पूछा जाता है पूछा जा चुका है काफी सारे क्वेश्चन मैंने इस पर जो है कराए हैं अपने प्रीवियस सेशन में जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकता है वॉट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज फूड पॉइजनिंग इसमें से क्या चीज है जो फूड uh, पॉइजनिंग करती है खाद्य विषय का सबसे अधिक कारण क्या है ईटिंग फ्रोजन फूड eating food spoiled by microorganism eating food with preservative eating home cooked food ye to bahut easy hai sabko pata hai ki the eating food spoiled by microorganism agar सूक्ष्म जीवो द्वारा खराब किए जाने वाला जो भोजन है वो हम खाएंगे तो हमें food poisoning हो जाएगी चलिए next question next question क्या है हाँ जी एंड दो स्पीशीज ऑफ प्लांट और जानवरों की वे प्रजातिया क्या कहलाती हैं मतलब की जो एंडेमिक स्पीशीज है प्लांट्स की और एनिमल्स uh, की वो कौन सी है जिन जो एंडेमिक स्पीशीज कहलाती है जो कि अः uh, वो है जो फाउंड जो कहाँ मिलती है पर्टिकुलर एरिया में मिलती है विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया फाउंड ओनली इन फॉरेस्ट ये या फिर सफरिंग फ्रॉम एन एपिडेम हाँ जी राइट फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो एनिमल प्लांट की जो स्पीशीज हैं उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशियस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा लोकेटेड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है केरला कर्नाटका तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश राइट आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश जो कह रहे बिल्कुल सही है इसका डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर ठीक है तो आंध्र uh, प्रदेश uh, में है श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा ठीक है इसके अलावा और क्या पूछा जाता है पूछा जाता है विक्रम सारा स्पेस सेंटर ये कहां पर है अगर ये पूछा जाएगा आपसे तो आंसर क्या होगा केरला चलिए हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है सेन जॉन मायनाज एडम स्मिथ या मनमोहन सिंह राइट एडम स्मिथ ये तो आपको पता ही होना चाहिए ठीक है बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ठीक है एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस ये बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने इसके अलावा अमृत सेन किस चीज के लिए फेमस है अपने कंट्रीब्यूशन के लिए टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ही वो भी फेमस है अमृत्या सेन जॉन माइनार्ड कैनिस जो है वो भी फेमस है अपनी कुछ पब्लिकेशंस के लिए जैसे कि द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो पब्लिश हुई थी 1936 में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें से कौन सी एक चीज जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर अ सॉल्यूशन अ पार्टिकल या फिर अ मॉलिक्यूल राइट, अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, राइट चलिए ऑफ अक्टूबर 2020, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है एम वेंकैया नायडू हेमद अंसारी राजनाथ सिंह रामनाथ गोविंद एम वेंकना नायडू ठीक है तो एम वेंकना नायडू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट आर राधा एस राधा कृष्णन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अ रिजल्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट इनमें से कौन असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था लॉयर्स अटेंडेड कोर्ट पीजेंट लॉर्ड्स फॉर कॉलोनियल ऑफिसर्स द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मेनी टाउन्स एंड सिटीज या फिर स्टूडेंट्स वेंट आउट स्कूल एंड कॉलेजेस रन बाय द गवर्नमेंट हाँ जी बताइए क्या है इसका आंसर वकील अदालत में उपस्थित हुए किसानों ने औपनिवेशिक उप, अधिकारियों के लिए भार ढोया कई कस्बों और शहरों में मजदूर वर्ग हड़ताल पर चले गए या फिर छात्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल कॉलेज में गए क्या रिजल्ट हुआ नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का राइट right, सी जो कह रहे बिल्कुल सही है द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मेनी टाउन्स एंड सिटीज कई कस्बों शहरों में मजदूर वर्ग हड़ताल पर चले गए थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट हुआ था तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है मैं अपने हर सेशन में बता रही हूँ तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1920 में खत्म हुआ था 1922 में ठीक है चौरा चौरी जो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इमिडिएटली खत्म कर दिया था ठीक है खिलाफत मूवमेंट जो है वो उन्नीस में हुआ था ठीक है ये भी चार साल तक चला था कुछ Uh, तो एग्जैक्ट जो टाइम uh, है डेट है वो आपको याद रखनी है यहाँ पर सिर्फ आपको इतना पता है कि कौन से दो मोमेंट्स हैं जो उसके बारे में टी पूछ रही है और वो आपको करके जाने हैं ठीक है थीके? तो चलिए ये थे आज के फोर्टी क्वेश्चन जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू